जय बाबा नीम करौली। आज दोस्तों मैं आपको दर्शन कराऊंगा बाबा नीम करौली की समाधि स्थल जो कि वृंदावन में स्थित है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेक योर ट्यूस राघव के साथ के एक और नए ब्लॉग में। आज दोस्तों हम वृंदावन नीम बाबा नीम करौली के समाधि स्थल पर जा रहे हैं जयपुर से। अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं अभी रेडी हो रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है जयपुर में और बिल्कुल मौसम साफ़ है अभी। तो रात को थोड़ी बहुत बारिश भी आई थी और आंधी भी आई थी रात को, तो इस वजह से हमने रात को जाने का कैंसिल किया। और अभी हम थोड़ी देर के बाद बाबा नीम करौली आश्रम जो उनका समाधि स्थल है वृंदावन में, वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ और अभी मैं रेडी हूँ वहाँ जाने के लिए। तो बस दोस्तों अभी निकलते हैं जयपुर से वृंदावन के लिए। तो अभी मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ और हमारी गाड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई है और मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पर। तो आज हम जो यात्रा कर रहे हैं वो जयपुर से वृंदावन की रहेगी और इसमें हम आपको जयपुर से वृंदावन का पूरा टूर करवाएंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं हमारी बिल्डिंग से और अभी हम वृंदावन के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों बाबा नीम करौली के चमत्कारों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मैंने भी उनके बारे में सुना। और आज हम चार दोस्तों ने डिसाइड किया है कि हम बाबा का समाधि स्थल जो कि वृंदावन में स्थित है उनके दर्शन कर आएंगे। तो अभी हम सुबह के लगभग 8 बजे हैं और हम अभी जयपुर से निकल चुके हैं वृंदावन के लिए। मैं मेरे दोस्त राहुल जी, संजय जी और सुनील भैया के साथ वहाँ पर जा रहा हूँ और अभी हम जयपुर के से जा रहे हैं। और वृंदावन जाने के लिए हमें पूरा जयपुर अभी क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि हम जयपुर के दूसरे एंड पर रहते हैं और वृंदावन जाने के लिए हमें पूरा जयपुर शहर अभी क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि आगरा रोड पर हमें निकलना है अभी। तो पूरा जयपुर का ट्रैफिक हमें क्रॉस करना है। अच्छी बात यह है कि आज संडे है तो ज़्यादा ट्रैफिक रोड पर नहीं मिलेगा और अभी बिल्कुल सुबह का ही समय है तो ट्रैफिक नॉर्मल रहेगा क्योंकि आज संडे है। अगर आज संडे की जगह कोई और नॉर्मल डे होता तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस का टाइम रहता है और जयपुर के मोस्टली कॉरपोरेट ऑफिस सभी सी स्कीम साइड में है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। तो अभी हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी और सुबह सुबह बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा है और बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो जब ट्रैफिक नहीं होता है रोड पर तो गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है। अभी हम कलेक्ट्रेट सर्किल को पार कर रहे हैं जयपुर में और अभी हम यहाँ से सीधा रोड लेंगे MI रोड का कि जो कि हमें सीधा बिल्कुल जयपुर के बाहर ही निकाल देगा, कहीं पर भी टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रोड MI रोड को कनेक्ट करते हुए फिर 5 बत्ती और उसके बाद सीधा घाट गेट होता हुआ आपको जयपुर टनल के लिए ले जाएगा। तो दोस्तों बाबा नीम करौली के बारे में बहुत सारे बातें हमने सुनी है और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए ही आज हम उनके दर्शन करने वहाँ पर जा रहे हैं। आज संडे है और यह ब्लॉग मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि कल मेरे को टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का। तो अभी हम MI रोड पर पहुँच गए हैं और सभी दोस्त आज बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। यह जयपुर का MI रोड आम दिनों में इस पर इतना ट्रैफिक होता है कि आप इसको मुश्किल से ही पार कर पाते हैं, लेकिन आज संडे है तो इस वजह से और सुबह का समय है तो यह बिल्कुल ही अभी खाली है और सामने जयपुर का फेमस रिवॉल्विंग टावर दिखाई दे रहा है आपको। और अभी हम गणपति प्लाजा के सामने से निकल रहे हैं और अभी हम थोड़ी देर में 5 बत्ती चौराहा पहुँच जाएंगे और 5 बत्ती के बाद हमने डिसाइड किया है कि सुबह का ब्रेकफास्ट अभी यहीं पर करेंगे। तो आगे DMB सांगानेरी गेट पर DMB रेस्टोरेंट आएगा तो उसके वहीं पर हमने डिसाइड किया है कि आज का ब्रेकफास्ट हम वहां पर करें। तो अभी दोस्तों आज बहुत अच्छा मौसम तो नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हमने कल डिसाइड किया था जाने का रात को, लेकिन जैसे ही हम निकलने वाले थे तो बहुत तेज़ आंधी और
तूफ़ान आ गया जिसके कारण हमने रिस्क नहीं लिया और हमने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में सुबह वृंदावन के लिए निकलेंगे। तो अभी हम बस जयपुर को क्रॉस करने वाले हैं और ये अभी हम जयपुर के सेंटर MI रोड पर जो 5 बत्ती चौराहा है, बहुत ही फेमस चौराहा है यहाँ पे, यह सर्किल बहुत ही फेमस है 5 बत्ती के नाम से। और यहाँ से आप अगर राइट टर्न लेंगे तो आपको फेमस राज मंदिर भी इसी रोड के ऊपर है जो कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो सामने राज मंदिर है और यह बिल्कुल जयपुर के सेंटर में स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान की कैपिटल जयपुर बहुत ही एक सुंदर और प्यारा शहर है। जब भी कभी आपको समय मिले एक बार जयपुर अवश्य आइए। आप जब जयपुर घूमने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और बहुत सारी वर्ल्ड फेमस चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं लेकिन अभी तो गर्मी का समय है तो इतनी ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन सितंबर के बाद बहुत ही ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं, चाहे वो आमेर का किला हो, नाहरगढ़ फोर्ट हो, वर्ल्ड फेमस हवा महल हो, राज मंदिर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जयपुर में फेमस हैं। जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ की चौड़ी रोडें और यहाँ की विश्व प्रसिद्ध इमारतें सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो जब भी आपको एक बार समय मिले जयपुर आइए और जयपुर का आनंद लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर और आपको ऐसा फील होगा कि हम एक बहुत ही प्यारी सिटी में घूम रहे हैं। और लोगों का ड्रीम होता है कि जयपुर में हम रहें, तो जयपुर एक अच्छी जगह है घूमने के लिए भी और रहने के लिए भी। तो अभी हम जयपुर को क्रॉस कर रहे हैं और जयपुर का सरावगी मेंशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा तो जयपुर। और अभी अगर आप राइट साइड की बात करें तो इसी रोड के ऊपर आपको रामनिवास बाग और फेमस अल्बर्ट हॉल भी इसी रोड पर स्थित है। तो जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से भी फेमस है। तो जब भी हम यहाँ पर आएँ तो घूमें और शहर को स्वच्छ बनाने में भी प्रशासन का योगदान करें, सहयोग करें। तो अभी सामने हम एक रेड लाइट पर रुके हुए हैं और हमारा डिसीजन था कि हम BMB का एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करें, लेकिन यहाँ पे पार्किंग की बहुत समस्या है। तो अगर हमें साइड में पार्किंग गाड़ी पार्क करने का मौका मिला तो हम यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर हमें फिर ब्रेकफास्ट यहाँ से लेकर आना पड़ेगा और गाड़ी के आसपास ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे हमें जगह मिलती है क्या। किस्मत से हमें गाड़ी खड़ी करने की यहाँ पर आज जगह मिल गई क्योंकि संडे है। तो हम BMB से ब्रेकफास्ट लेकर आ गए और अभी हम गाड़ी के बोनट पर ही ब्रेकफास्ट रखकर उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक अलग ही मज़ा है खुले में खड़े होकर खाने का। तो ये मेरे तीनों दोस्त संजय जी, राहुल जी और सुनील भैया, अभी हम ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। अभी बस हमें थोड़ा सा जयपुर और क्रॉस करना है और उसके बाद हम सीधा आगरा रोड को कनेक्ट कर जाएंगे। अभी आपको सामने टनल दिखाई दे रही है, यह अभी आगरा रोड जाने के लिए नई टनल बनाई है। इस टनल को बनने के बाद आगरा रोड पर जाना और भी आसान हो गया है। पहले घाट की गुनी होकर हमें जाना पड़ता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रोड था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस टनल को बनने के बाद आगरा रोड को कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। बहुत ही अच्छी टनल बनाई है, बहुत ही साफ़ सुथरी और काफ़ी बड़ी टनल है। तो आप टनल में जब भी जाएं गाड़ी ध्यान से चलाएं और यहाँ पर ओवर स्पीड ना करें और कोशिश करें कि ओवरटेक भी हम ना करें। तो अभी हमने टनल को क्रॉस कर लिया है और अभी हम जयपुर के दूसरे छोर पर आ गए हैं। यही सीधा रोड आपको आगरा से कनेक्ट करेगा और यह आपको दौसा होते हुए आगरा लेकर जाएगा। दौसा जाने के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है और यह रोड बहुत ही शानदार रोड है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड है। तो अभी जो मुंबई दिल्ली नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है वो भी आपको यहीं से कनेक्ट होगा। और अभी हम रास्ते में थोड़ा रुके थे एक होटल पर और हमने अब वापस हम निकल रहे हैं। तो यहीं से कुछ आगे जाने पर आपको दिल्ली एक्सप्रेसवे जो अभी नया बना है मुंबई के लिए, उसको जाने के लिए भी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और उसी पर अगर आप फिर जहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो आप दिल्ली के लिए चले जाएंगे और राइट लेंगे तो आप वडोदरा होते हुए
मुंबई के लिए भी निकल पाएंगे। तो अभी हम भरतपुर जयपुर आगरा रोड के ऊपर हैं और अभी थोड़ी देर के बाद हम भरतपुर पहुंच जाएंगे। भरतपुर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है और एक इम्पोर्टेंट शहर है, बिल्कुल यूपी बॉर्डर पर वो बसा हुआ है। तो अभी हम दौसा क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम कुछ देर के बाद भरतपुर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यह जो रोड बना हुआ है आगरा भरतपुर जयपुर, बहुत ही अच्छा रोड है और बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। मतलब रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत ही अच्छा रोड बनाया है और आपको यहाँ पर ड्राइव करने का मज़ा आएगा। लेकिन जब भी आपको इतना अच्छा रोड मिले तो आप ओवर स्पीड ना करें और गाड़ी बिल्कुल ध्यान से चलाएं, क्योंकि इस रोड पर टू व्हीलर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो अभी हम भरतपुर पहुंच चुके हैं और भरतपुर के कुछ लोकल शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी हम भरतपुर का फेमस कुछ ब्रेकफास्ट और है यहाँ पर, तो वो भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो और उसका टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं कभी भरतपुर आता हूँ तो भरतपुर स्टैंड के बाहर एक शॉप बनी हुई है, इसकी कचौरी और सब्जी आलू की बहुत अच्छी लगती है, तो हमने उसको एंजॉय किया। और अभी हम भरतपुर से निकल रहे हैं मथुरा के लिए। जो मेन एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है जयपुर से आगरा के लिए, उसको अगर आपको आगरा जाना है तो आप उस हाईवे के साथ आगे निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मथुरा जाना है तो आपको वहाँ से रोड चेंज करना पड़ेगा और आप लेफ़्ट लेके आप भरतपुर सिटी में से होते हुए भी जा सकते हैं और उसके लिए अलग बाईपास बनाया हुआ है, आप उधर से भी जा सकते हैं। तो अभी हम भरतपुर क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद अभी हम मथुरा निकल जाएंगे। यह रोड डबल रोड तो नहीं है लेकिन सिंगल बना हुआ है, लेकिन रोड अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद उस रोड पर कनेक्ट हो जाएंगे। और ये देखिए सामने रेलवे स्टेशन भरतपुर का, और यहाँ से आप दिल्ली के लिए भी निकल सकते हैं। तो आपको मथुरा होते हुए आप दिल्ली भी जा सकते हैं। तो अभी हम भी उसी रोड के ऊपर हैं और एक समस्या ये है कि भरतपुर में ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है और यहाँ के लोग ट्रैफिक रूल्स को भी ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी समस्या आएगी। तो आप जब भी भरतपुर में ड्राइव करें थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करें यहाँ पर। और अभी हम ऑलमोस्ट भरतपुर से बाहर आ गए हैं, ये रेलवे ब्रिज के ऊपर है अभी हम। तो अभी भरतपुर से थोड़ा आगे जाने पर अभी हम राजस्थान में हैं और उसके बाद हम यूपी में एंटर कर जाएंगे। भरतपुर से आगे यूपी राजस्थान बॉर्डर है। तो अभी ये देखिए, जैसा मैंने बताया था आपको कि अभी हमें एक सिंगल रोड मिलेगा मथुरा जाने के लिए, और मथुरा लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास है। तो ये रोड अच्छा बना हुआ है, लेकिन अभी आपको लगभग 40-42 किलोमीटर आपको सिंगल रोड पर ही गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी। और ये अभी हम बिल्कुल भरतपुर से बाहर आ चुके हैं और रोड बहुत अच्छा है ये भी, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पर गाड़ी चलानी पड़ेगी, बिल्कुल केयरफुली आप गाड़ी चलाएं। और इसी रोड पर आगे जाकर अभी हम कनेक्ट कर गए हैं मथुरा पहुंचकर दिल्ली आगरा रोड को। और ये अपनी लेफ्ट साइड में बाबा जय गुरुदेव का आश्रम बना हुआ है, बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर बनाया है, ऐसे बहुत ही बड़ा आश्रम है और लाखों भक्त हैं बाबा जय गुरुदेव के भी। तो अभी हम दिल्ली आगरा रोड के ऊपर हैं और यहाँ से आगे जाने के बाद दो रास्ते निकलते हैं वृंदावन के। आप सीधा भी वृंदावन जा सकते हैं और उससे पहले भी कनेक्ट करने के लिए आप मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि होते हुए भी वृंदावन के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज संडे है और एक प्रॉब्लम यह होती है कि जब भी आप संडे को या किसी हॉलीडे को आप वृंदावन आएंगे तो आपकी गाड़ी को वृंदावन में एंटर नहीं करने देते हैं, तो आपको पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और जो वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे ई रिक्शा वगैरह उसमें आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि संडे हो या किसी कोई हॉलीडे हो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं वृंदावन घूमने के लिए। और वृंदावन और मथुरा धार्मिक नगरी है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, यहाँ पर तो आपको गली गली में मंदिर मिल जाएंगे आपको। तो बहुत ही फेमस जगह है ये और दिल्ली के भी बिल्कुल नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और लोगों ने जब भी संडे होता है तो भगवान की शरण में पहुँच जाते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से जब भी आप वृंदावन आएँ और आपको
पता हो कि आज संडे है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश आपको देखने को मिलेगा, और इसी वजह से वृंदावन के अंदर गाड़ी एंट्री नहीं करने देते, आपको वहाँ बाहर ही आपको रोक देंगे। तो अभी इसी वजह से हमने दूसरा रोड लिया है और हम श्री कृष्ण जन्मभूमि होते हुए वृंदावन जा रहे हैं। इससे हमें थोड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़ा सा नज़दीक पहुंच पाएंगे वृंदावन के, और हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो वृंदावन में संडे को एंट्री नहीं होती है अपनी पर्सनल गाड़ी की, तो आपको गाड़ी बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। इसलिए हम अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि होते हुए वृंदावन जा रहे हैं, और ये मेन रोड है। अभी तो ये अपना दिल्ली आगरा रोड है जो आपको आगे जाके लखनऊ, कानपुर लखनऊ कनेक्ट कर देगा, और आगे जाके यही रोड आके जाके आपको वाराणसी भी लेके जाएगा। तो अभी हम दिल्ली की साइड जा रहे हैं, और यहाँ से अभी हम एक पुल आएगा अभी, जिसके से हम नीचे से राइट लेंगे तो हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए टर्न कर जाएंगे। ये वही रोड है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ हमें लेकर जाएगा, और यहीं से हम आगे जाकर वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। तो रास्ते में जैसे पागल बाबा का आश्रम भी आएगा, तो वो भी इसी रोड पर है, और जो मथुरा का बिरला मंदिर है वो भी इसी रोड पर है। तो अभी हम इसी रोड से होते हुए नीम करोली बाबा की समाधि स्थल वाले आश्रम में अभी हम जा रहे हैं। और यह रोड भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन ट्रैफिक इस पर भी बहुत ज़्यादा है। यह तो गनीमत है कि आज थोड़ा सा छुट्टी का समय है, तो मथुरा में आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो मथुरा में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है, और बहुत बड़े बड़े जाम मथुरा में लगते हैं। तो अभी हम मथुरा वृंदावन रोड के ऊपर हैं, और अभी हम थोड़ी देर में ही वृंदावन पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है मथुरा से वृंदावन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मथुरा से वृंदावन पहुंच गए, क्योंकि रोड के दोनों साइड में आपको पूरा मार्केट मिलेगा जो कि मथुरा और वृंदावन को बिल्कुल आपस में जोड़ के रखा हुआ है। तो बिल्कुल भी आपको समय का पता नहीं चलेगा, और आप इजीली मथुरा से वृंदावन पहुंच जाएंगे। लेकिन इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप संडे के दिन आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को यहाँ पर मिलेगी, और आज संडे ही है तो हमें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा है यहाँ पर। और ये आपको आगे स्ट्रेट में बिरला मंदिर दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा। यह मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है, और यह बिरला मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो अभी दोस्तों हमारे पास तो थोड़ी समय की कमी है, तो हम इसके अंदर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर से आपको बिल्कुल इसका व्यू दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। मथुरा वृंदावन में आपको इतने मंदिर देखने को मिलेंगे कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन मंदिर ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये तो भगवान की नगरी है, और भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। भगवान के अनेकों अनेकों रूप यहाँ पर हैं, और बाबा के चमत्कार को देखने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। उनका भी समाधि स्थल यहाँ बना हुआ है। तो अभी हम वृंदावन पहुंच चुके हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद हमें भी अपनी गाड़ी कहीं ना कहीं पार्क करनी पड़ेगी पार्किंग में, क्योंकि अभी तो हम जा पा रहे हैं आगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही हम वृंदावन में एंटर होने वाले हैं, देखिए कितना बड़ा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और लगभग हमें आधा घंटा यहाँ पर हो गया है खड़े हुए, तो बिल्कुल थक गए अभी हम, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर है। हम बहुत दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग 250 किलोमीटर हम आ चुके हैं जयपुर से, और यहाँ पर आकर हमें इतने बड़े जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, और अभी हम लोकल ट्रांसपोर्ट से वृंदावन में एंट्री करेंगे। तो अभी हमने एक ई रिक्शा हायर किया है जो कि हमें वहाँ तक छोड़ेगा। तो अभी हम ई रिक्शा से बाबा नीम करोली समाधि स्थल जा रहे हैं, और अभी हम वहां पर जाकर बाबा के समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। तो ये वृंदावन शहर, और अभी हम बाबा के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम ई रिक्शा से
बाबा के समाधि स्थल की तरफ जा रहे हैं और ई रिक्शा वाले भैया ने हमारे चैनल के बारे में पूछा, तो उसको हमने बताया कि हमारा भी चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो उस पर देखने को आपको मिलेगा, मेक योर टूर्स राघव के साथ के नाम से। तो अभी हम वृंदावन में एंट्री कर चुके हैं और धीरे धीरे हम वृंदावन में बाबा का जो समाधि स्थल बना हुआ है उधर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी हम बिल्कुल वृंदावन के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, जहां से हमें बाबा के समाधि स्थल को जाने के लिए राइट टर्न करना है। अभी लगभग दोपहर के 2 बजे हैं और हमने डिसाइड किया कि पहले लंच कर लेते हैं, क्योंकि बाबा का समाधि स्थल अभी बंद है और वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे ओपन होगा। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम लंच कर लेते हैं, क्योंकि अभी लंच का समय भी हो गया है और लंच करने के बाद हम बाबा के समाधि स्थल जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। तो अभी हम लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं और यहाँ के बाद हम बाबा के समाधि स्थल की तरफ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और सभी का रास्ता इधर से निकलता है। तो अभी हम लंच करने के बाद आ गए हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं बाबा के समाधि स्थल की तरफ। जय बाबा नीम करौली आश्रम, हम पहुँच चुके हैं अभी और बाबा का यह बहुत ही प्यारा आश्रम यहाँ पर बना हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी बाबा के भक्त हैं, तो वो भी यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और हम सब भी आज यहाँ पर आए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा आप हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। और अभी हम बाबा के आश्रम में अंदर जा रहे हैं और आज मन की मुराद जैसे पूरी हो गई हो। बहुत दिनों से यह मन में था कि बाबा के आश्रम के हम दर्शन करें और बाबा ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ कि बाबा ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया अपने दोस्तों के साथ और अपने दर्शन करने का मौका मुझे दिया। यह बाबा का आश्रम है और सामने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और सुनने में आता है कि बाबा में बाबा हनुमान जी का अंश है और बाबा ने इतने चमत्कार किए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो यह बाबा नीचे हनुमान जी के चरणों में बाबा की तस्वीर रखी हुई है और जय बजरंगबली, सभी भक्तों का आप उद्धार करना। तो बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं और उनके चमत्कारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन उन चमत्कार की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने भी बाबा बजरंगबली के दरबार में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और बाबा का आशीर्वाद लिया। अभी हम पूरे आश्रम को देखने जाएंगे और बाबा का समाधि स्थल थोड़ा इससे आगे बना हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले विराट कोहली अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी बाबा के समाधि स्थल के दर्शन किए थे। बाबा की अगर भक्तों की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड फेमस जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हों, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हों, एप्पल के ओनर हों, सभी बाबा के भक्त हैं। और एप्पल कैसे बना इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी कहानी फेमस है और बाबा के आश्रम में ये सभी लोग आते हैं और बाबा के आशीर्वाद से ही आज ये इतने फेमस हुए हैं। तो हम भी बाबा के आश्रम अभी आए हुए हैं और ये सामने जो वाइट कलर का इमारत आपको दिख रही है, ये बाबा की समाधि स्थल है। बाबा ने अपने प्राण यहीं पर विसर्जित किए थे और बाबा ने यहाँ पर समाधि ले ली थी। तो ये बाबा का समाधि स्थल सामने बना हुआ है और हम भी बाबा का समाधि स्थल पर अभी पहुँच चुके हैं और बाबा का आशीर्वाद हम भी हम लेंगे। बाबा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। तो हमारे तो सभी की बहुत सारी तमन्नाएं बनी हुई थी कि हम बाबा का आशीर्वाद लेने आए और बाबा ने आज आखिरकार हमें अपने दरबार बुला ही लिया है। तो हम सब तो बहुत ही प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं कि बाबा ने आज हमें
यहाँ पर बुलाया है, तो अभी हम बाबा का आशीर्वाद यहाँ से लेंगे और साथ में बाबा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बनी हुई मिल जाएंगी। तो बाबा जहाँ पर बैठकर अपना ध्यान लगाते थे, बाबा जहाँ पर बैठकर अपने भक्तों से बात किया करते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। और इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें, इनकी जो कहानियाँ हैं वो आपको सुनने और देखने को भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अभी हम बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद, अभी जहाँ पर बैठकर बाबा अपना ध्यान लगाते थे, अभी हम उस रूम में भी जाएंगे जबकि जहाँ पर बाबा अक्सर बैठकर हनुमान जी का ध्यान किया करते थे, और हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे बाबा, और बाबा पर हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद था। बाबा ने इतने चमत्कार किए हैं जो कि अपने भक्तों के लिए। तो यह बाबा का समाधि स्थल है और बाबा हम पर अपनी कृपा दृष्टि देना और संसार का कल्याण करना, सभी मानव जाति पर अपना कल्याण करना, यह बाबा की तस्वीर सामने। और हमने भी बाबा को नमन किया और अभी हम बाबा के ध्यान रूम की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको एक असीम आनंद की अनुभूति यहाँ पर होगी। बिल्कुल आध्यात्मिक माहौल यहाँ पर बना हुआ है, चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि बस भगवान के हम दरबार में आ गए हैं। और यह बाबा का ध्यान रूम जहाँ पर बैठकर बाबा साधना किया करते थे, अभी हम भी उस रूम में जा रहे हैं। यह बाबा की बहुत ही मनमोहक तस्वीर, बाबा नीम करोली आश्रम का समाधि स्थल वृंदावन में स्थित है, और यह बाबा के से संबंधित चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। बाबा के जीवन से संबंधित सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। बाबा के जन्म से लेकर बाबा ने जब अपने प्राण विसर्जित किए तब तक की सारी कहानियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाबा ने जितने भी चमत्कार किए हैं, जो जो घटनाएं उनके जीवन काल में हुई हैं, जहाँ जहाँ पर उन्होंने तपस्या की, जहाँ जहाँ पर वो गए, जहाँ जहाँ पे उनके मंदिर आश्रम बने हुए हैं, सभी के बारे में आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से देखने को मिलेगा। और यह आश्रम ऐसी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है और आपको इतना असीम आनंद यहाँ पर आएगा जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब भी आप किसी आध्यात्मिक जगह पर आते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर, तो हमें भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला और हमारी तो दिली इच्छा थी कि हम यहाँ पर आएँ। और आश्रम के पीछे एक गौशाला भी बनी हुई है जहाँ पर हजारों की संख्या में गायें रखी हुई हैं और गायों की सेवा यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है और गायों की सेवा करने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जब भी आपको मौका मिले गौ मैया की सेवा करने का तो अवश्य गौ मैया की सेवा करें, आपको इसमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये गौशाला भी बनी हुई है पीछे की तरफ, तो आप यहाँ पर आएँ तो गौशाला की तरफ भी एक बार ज़रूर आएँ और कोशिश करें कि जो भी आप सेवा कर पाएँ गौ गाय माता की तो आप करें। तो देखिए ये गौशाला, और भक्त यहाँ पर श्रद्धा अनुसार गाय माता की सेवा कर रहे हैं। तो हमने भी गाय माता को थोड़ा सा हरा चारा यहाँ पर खिलाया और फिर हम वापस निकलेंगे बाहर की तरफ। और अभी इस आश्रम में आकर हमें बहुत अच्छा लगा और इस आश्रम के बाहर अभी हम आ गए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। बांके बिहारी जी तो वृंदावन की शान है और सभी जानते हैं बांके बिहारी जी के बारे में। तो बांके बिहारी जी कृष्ण जी के अनेकों रूप में से एक रूप है और यहाँ पर उनका बहुत ही एक फेमस मंदिर बना हुआ है जहाँ पर लाखों की संख्या में दोस्त भक्त आते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो अभी मेन रोड से हम बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ई रिक्शा बहुत सारी तादाद में चलते हुए मिल जाएंगे और लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो हमने फिर से एक और नया ई रिक्शा हायर किया है और अभी हम ई रिक्शा के साथ अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी की मंदिर की तरफ। ई रिक्शा आपको बांके बिहारी जी के मंदिर से पहले ही रोक देगा और उसके बाद आपको फिर आगे पैदल जाना पड़ेगा। तो जहाँ तक ई रिक्शा जाएगा वहाँ तक आप ई रिक्शा में जा सकते हैं, उसके बाद तो फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि वृंदावन की जो गलियाँ हैं वो कुंज गलियों के नाम से वर्ल्ड फेमस हैं और इन कुंज गलियों में आपको चलने में जो मज़ा आएगा, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ और उनमें
आपको इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मिलेंगे तो वृंदावन की कुंज गलियों की तो अलग ही बात है। तो अभी हम वाकई बिहारी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर कि आप बस पूछो मत। और अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है और अभी गर्मी का तो बुरा हाल है यहाँ पर। अभी एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी संख्या में लोग, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रभु की भक्ति आपको अपनी तरफ खींची लाती है। तो बस भक्तों को कोई परवाह नहीं है, गर्मी है, बारिश है, क्या है, भक्त तो बस अपने प्रभु की तरफ खींचे चले आते हैं। तो अभी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लोग लगातार बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सभी लोग बस जाना चाहते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग भी उसी गली में हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। हमने बात की यहाँ पर तो एक तो उन्होंने बोला कि आज संडे है और दूसरा बांके बिहारी जी के मंदिर में तो आप जब भी आएंगे आपको हमेशा इतनी ही भीड़ मिलेगी। यह निधिवन, आपने निधिवन के बारे में ज़रूर सुना होगा। निधिवन वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अभी भी रोज आते हैं और यह एक बहुत ही फेमस जगह है वृंदावन में। और कहते हैं यहाँ पर रात को 7 बजे के बाद रुकना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, और कोई गलती से या भूल से भी यहाँ पर रह जाता है तो वह बाहर वापस नहीं आता है। भगवान की यह अजीबो गरीब लीला है यहाँ पर। भगवान यहाँ पर स्वयं आते हैं और अपने रास रचाते हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में फेमस है कि यहाँ पर रात को रुकना बिल्कुल मना है और यहाँ पर बंदर आपको इतनी ज़्यादा तादाद में मिल जाएंगे जो कि आपका किसी भी सामान को आपके हाथ से छीन ले जाएंगे। तो जब भी यहाँ पर आएँ अपने सामान की बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अभी हम दर्शन करने के बाद वापस जयपुर की तरफ निकल रहे हैं। आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, हमने बाबा नीम करौली धाम के आश्रम के दर्शन किए और अभी हम वापस जयपुर की तरफ जा रहे हैं। तो आज का यह ब्लॉग बस यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। जय बाबा नीम करौली, जय बांके बिहारी, जय मथुरा, जय वृंदा।